जी गाइस, आई एम जस्ट बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेल गाइस, आज मैं ज़रा सुबह ही जल्दी उठ गई क्योंकि बहनें जो है ना वो मेरे सर पे तैयार हो रही होती हैं। इतना शोर करती हैं। कोई जैसे परफ्यूम लगा रहा है और कोई आ रहा है जा रहा है, डोर बंद हो रहा है डोर खुल रहा है, अजीब सुबह शोर इन्होंने किया होता है रूम में। भाई तैयार होना है, आराम से हो जाओ, नहीं शोर मचाना है, ये दे दो वो दे दो। और फिर हमारी मम्मा, वो छोटी बहन, वहन आ गई जल्दी करो, वहन आ गई जल्दी करो। अरे भाई टेंशन नहीं लें, चली जाएगी। हमारी अम्मी को तो बहुत टेंशन होती है, वहन आ गई है जल्दी चलो। हमारी अम्मी पंचुअलिटी की तो आप यकीन करें, हमें बचपन से ना हमारे पीछे, काम टाइम पे करो। खैर शादी लग रहा है, सारी ममाज ऐसी ही होती हैं, बस उनको ना हर वक्त टेंशन ही लग जाती है। ये एजियन ममाज जो होती ना, ये ऐसे ही होती है टेंशन वाली। मैं कहती हूँ भाई वाइट ममा बने, एकदम कूल रिलैक्स। अब चूँकि मैं सुबह उठ गई हूँ तो और मौसम ही बेहतर है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा मूड जो है बस वो ख़राब होते होते बजी है इतना ज़बरदस्त मौसम देख के। खैर मैंने कहा चले मैं ज़रा अपने मेरे एक दो कपड़े मैं ज़रा वो धो लूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखें आप, ये हमारे घर में ना कबूतरों का पसीना, यहाँ भी कल टेंगी थी जो सारी जो है वो हमने उतरवाई है, तो हमने कहा अब जो है वो सुकून हो जाएगा, ये कबूतर अब नहीं आएंगे, अब तो भाई वो खुल्लम खुल्ला आएंगे, अब फुल अयाशी चलेंगे। अब भाग गया। वैसे बारिशों में ना कपड़े धोने की टेंशन ही लग जाती है, धोएं के ना धोएं। और इसी चक्कर में ना कपड़े जो है ना वो उसका स्टैक बढ़ता ही जाता है। खैर अभी देखें क्या करना है, वॉशिंग मशीन लगा दूँ, लेकिन अब ये भी फिक्र हो रही है अगर बारिश आ गई ना तो फिर मसला होगा कपड़े कहाँ रखेंगे। चलें खैर अभी देखते हैं क्या करना है, हाथ वास ही दो चार धो लेते हैं। कपड़े धुल गए भाई, फारिग हो गए। चलें भाई कपड़ों से तो फारिग हो गए, अब ज़रा सा कुछ नाश्ता वाश्ता कर लें क्योंकि कुछ भी नहीं खाया सुबह से उठ के, तो आयदा नाश्ता मारे बहुत भूख लग रही है। चलें भाई ये रहा मेरा नाश्ता और ये है अम्मी का नाश्ता। चले भाई नाश्ता वाश्ता तो कर लिया है और अम्मी को मैंने आज दूध वाली चाय बना के दी, बहुत पसंद आई है उनको, तो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है आज, तो उनको अच्छी लगी। मैंने कहा चलो भाई खा पी लिया है, अब ज़रा काम पे लग जाए, भाई काम भी करने होते हैं। सही है, मैं ज़रा किचन भी साफ कर लूँ फिर आपसे बात करूँ। जी गाइस, आई एम जस्ट बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई और बस बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है अचानक से। बस फिर वो हम लोग फॉरेस्ट हॉस्पिटल गए, वहाँ पे अम्मी को इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से जो है वो ख़राब हो गई और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी उनकी, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा हार्ट बीट जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। वो फिर फ़ौरन हम लोग हॉस्पिटल लेके गए अम्मी को, और वहाँ जाके फिर हम लोग इमरजेंसी में लेके गए, फिर डॉक्टर ने जो है वो फ़ौरन से उनको इंजेक्ट किया, लेकिन एक इंजेक्शन उनकी कंडीशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा हम देखते हैं थोड़ी देर और के अगर उनकी तबीयत नॉर्मल होती है या नहीं होती है। खैर वो अम्मी की जो उन्होंने मुझसे पूरी हिस्ट्री पूछी तबीयत की, भाई क्या सीन है, और अम्मी के ज़्यादा शुगर भी है, अम्मी को बीपी भी है और शुगर उनकी आजकल जो है वो ज़्यादा हाई भी चल रही है, तो बस फिर वही डॉक्टर को पूरी मैंने उनकी डिटेल बताई कि भाई ये सीन है। तो खैर फिर उन्होंने जो है वो देखा कि तबीयत बेहतर नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली फिर उनको सेकेंड इंजेक्शन की डोज़ देनी पड़ी, तो उसके बाद जाके फिर अम्मी की तबीयत कुछ बेहतर हुई, यानी कि हार्ट बीट एटलीस्ट कंट्रोल में आई है। तो खैर वो डॉक्टर कह रहे थे कि अब ये चीज़ जो है वो इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है ऑब्वियसली बार बार इंजेक्ट करना, और ये कि इसका जो है वो थोड़ा कुछ ऐसी वेन होती है जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो जाए तो फिर वो जो है वो सडनली बहुत हाई स्पीड में ट्रैवल करने लग जाती है पूरी बॉडी में, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। तो खैर ये सीन है, मम्मी को दिखाया है डॉक्टर को, अब देखें क्या है। इसके डॉक्टर ने कहा है कि इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन जो है ना वो ये नहीं है, इसका जो वेन एक जो ब्लॉकेज जो करती है जो ज़्यादातर पूरा रास्ता जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, यानी कि उस वाली वेन के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो खैर अब ये है कि घर लेकर आ गए अम्मी को और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी तबीयत उनकी बेहतर है, और मैंने कहा अभी आप रेस्ट करें बिल्कुल, तो बस आज का दिन तो समझें बस यही है। आज बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी हो गई अचानक से, बिल्कुल हम लोग भागे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, और सडन तबीयत ख़राब होती है ना बिल्कुल, आप यकीन करें बंदा बिल्कुल एकदम हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि एकदम से क्या करें फ़ौरन से। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत अब बेहतर है, शी इज़ होम,
और बस मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। और अभी मैं बिल्कुल अभी मेरी तो बस आज बिल्कुल भी मैं कुछ भी यानी कि मुझे बैठने का नहीं मौका मिला क्योंकि मैंने आप लोगों को उसको बताया था अभी मैं। और जब से मैं किचन में बिज़ी रही पूरा काम इधर से उधर वो ज़्यादातर सारे काम चल रहे थे और बस ये अचानक से अभी लंच करने के लिए हम बस बैठे ही थे समझे तो बस एक पैर नवाले मुँह में भी डाला हुआ और अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो खैर ये सारा सीन हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर अम्मी की तबीयत। तो आप लोग सब प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत दे ज़िंदगी दे। ठीक है अम्मी सो गई हैं अब थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा सारा रिलैक्स कर रहे हैं अभी थोड़ा सा, मैं अब ज़रा खाना खा लूँ। सुबह से का नाश्ता किया उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, शाम हो गई है। चले मैं ज़रा खाना खा लूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। जी गाइस तो बस अभी असर की नमाज़ वगैरह से फारिग हुए तो मैंने कहा चले आपस से कनेक्ट कर लूँ। बस अभी नमाज़ में मैं यही सोच रही थी कि यार लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं होता कि अगले पल में क्या हो जाएगा आपके साथ। आप देखें हम लोग खाना खाने के लिए बैठ ही थे, अभी बस पहला नवाला मुँह में डाला ही था और अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। यही है कि ज़िंदगी का कुछ पता थोड़ी होता है नेक्स्ट मोमेंट हमारे लिए क्या लेकर आएगा। हम लोग सालों की प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे और हमें अपने अगले पल का नहीं पता होता। खैर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, हम लोगों ने खैर दोनों बहनों को नहीं बताया, वो दोनों ऑफिस में और फिर परेशान करने वाली बात है, ऑब्वियसली उन लोगों को ऑफिस इतना दूर है और आना आसान नहीं होता बिल्कुल भी, और उन लोगों को बता के परेशान करने वाली ही बात है, वो लोग इतनी जल्दी तो नहीं आ पाते ना। खैर बाजी को तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी ना बताएं अम्मी की तबीयत का, क्योंकि बाजी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाती है जब भी अम्मी की तबीयत ख़राब होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, शी इज़ टू मच सेंसिटिव अबाउट अम्मी हेल्थ। तो खैर हम लोग बाजी को तो बिल्कुल भी नहीं बताते और अम्मी कोशिश करती हैं कि बाजी को तो ना ही बताया जाए, बाजी की जब तक बाजी की पहुँच तक ये बात पहुँचे भी तो इससे पहले कि अम्मी की तबीयत बेहतर हो जाए, बस हम लोग की यही कोशिश होती है, बाजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत ठीक है और आप लोग ज़रूर मेरी अम्मी के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और बस अब ये कि डॉक्टर ने अब कह दिया कि अभी इनको जरा बेड रेस्ट ही करना है, कोई काम हम इनसे नहीं करवाना, तो बस अभी इनको बिठा के ही रखना है, हमने अभी कोई काम नहीं करना। चलें गाइस फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एनर्जी मेरी बिल्कुल अब ज़ीरो पर आ गई है और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग डे हो चुका है आज का। तो खैर आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।